चलते चलते चैनल में आज का विचार है कि हम अपने जीवन में धोखा क्यों खाते हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं प्रिय दोस्तों कि हम सबको कभी ना कभी अपने जीवन में भावनात्मक धोखा मिलता है, आर्थिक धोखा मिलता है और कभी ना कभी हमें धार्मिक धोखे का सामना करना पड़ता है। आज मैं आपको सुचेत करना चाहता हूं प्रिय दोस्तों कि धोखा देने वाला इंसान यह भली भांति जानता होता है कि हम किन किन नकारात्मक ऊर्जा के स्वामी हैं, नेगेटिव एनर्जीज के स्वामी हैं। वो इंसान उनको बढ़ावा देता है और फिर हमसे छल करता है और धोखा देकर कब हमारे जीवन से गायब हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। धोखा देने वाले व्यक्ति को पता होता है कि डॉक्टर बेदी एक लालची इंसान है। धोखा देने वाले व्यक्ति को पता होता है कि डॉक्टर बेदी अभिमानी है। धोखा देने वाले व्यक्ति को पता होता है कि डॉक्टर बेदी एक डरपोक इंसान है। धोखा देने वाले व्यक्ति को पता होता है कि डॉक्टर बेदी एक वहमी इंसान है। और धोखा देने वाले को ये पता होता है कि डॉक्टर बेदी एक इमोशनली कमज़ोर इंसान है, बल्कि इमोशनल फूल है। प्रिय दोस्तों, धोखेबाज व्यक्ति डॉक्टर बेदी को और लालच देता है, उसके झूठी तारीफ के पुल बांध देता है, उसको और डराता है तथा उसको कई अन्य धर्म कांडों में डालकर उससे छल कर, उससे कपट कर, उसको धोखा दे उसके जीवन से गायब हो जाता है। प्रिय दोस्तों, प्रिय दोस्तों, मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ कि परमात्मा को भी लालच, अभिमान, डर, भावनात्मक कमजोरी और वहम पसंद नहीं है। अतः धोखे के दौरान परमात्मा भी आपके प्रति उदासीन हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, तो आइए प्रिय दोस्तों आज इस विचार को पकड़ें, पॉजिटिविटी का कवच पहन लें ताकि कोई भी धोखेबाज व्यक्ति आपसे धोखा ना कर सके। अपने जीवन को पूरे होश से जिएं, अवेयर रहें, आजीवन भर जागरूक रहें, जागते रहें और सोते हुए भी जागते रहें। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों।